देखो पहले पुश टू ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ये एक कैसा होता है, आपको लिमिटेड टेंडर पता है क्या? लिमिटेड टेंडर मतलब पता है क्या? लिमिटेड टेंडर, हम टेंडर में किसी को इनवाइट करते हैं, जिनको इनवाइट करेंगे वही लोग ये टेंडर भर पाएगा, उसका ही एक रूप है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा होता है, जब हम लोग L1 कर रहे थे, देखो आपको याद होगा हम लोगों ने L1 कर रहे थे हम लोग, है ना। L1 करते वक्त हमें क्या हो रहा था, तीन लोगों को हम लोग चूज करते थे L1 परचेस करते वक्त, L1 परचेस, इनको मिनिमम अपने को चूज करना पड़ता था। तो एक ए है, एक बी है और सी है, तीन प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड का हम लोग चूज करते थे, है ना। मान लो एक का रेट है 45,000, एक हमने जो चूज किया वो 60,000 का चूज किया है L1 बनाते वक्त, और एक 70,000 का चूज किया है। बायर को 45,000 से भी कम रेट में प्रोडक्ट चाहिए, 45,000 भी ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे केसेस में बायर पुश टू ई प्रोक्योरमेंट का यूज कर सकता है, पर इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो ये 1 लाख, इसकी ऑर्डर वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऑर्डर वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। पुश टू प्रोक्योरमेंट का लिमिट ये है 1 लाख इसका। तो कैसे कंडीशन में क्या होगा, यदि हम लोगों ने पुश टू प्रोक्योरमेंट निकाला, तो ये तीनों को जो भी हम लोग चूज करेंगे L1 बनाते वक्त, उन तीनों को नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो लोग तीनों अपना रेट कोट करेंगे, हर एक को अपना रेट कोट करने को दिया जाएगा, ए को, बी को और सी को रेट कोट करने दिया जाएगा। आप अपना अपना रेट कोट करो, कोट जब करेंगे जो L1 है, L1 कौन है, 45,000, आपको रेट 45,000 से कम कोट करना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा कोट नहीं कर सकते, तो आपको सबको और एक चांस दिया जाएगा। भले B का रेट 60,000 है, C का रेट 70,000 है, पर चाहे तो C ने 42,000 रेट कोट कर दिया कि मैं चलो 42,000 में ही दे दूंगा, B ने कोट कर दिया 45,000 से ऊपर नहीं होगा 44,000, और ए ने मान लो कोट ही नहीं किया, या बी ने कोट ही नहीं किया, ए ने कोट किया, ए ने 44,000 का कोट कर दिया, तो बी ने कोट ही नहीं किया, तो ये वाला L1 यहाँ पे नहीं, पुश टू प्रोक्योरमेंट के तहत अभी यहाँ पे रेट ये वाला कैलकुलेट होगा और ये ऑर्डर सी को चला जाएगा। मतलब ये कोटेशन बेस्ड, जैसे कि पहले कोटेशन बेस्ड होता था ना, सेम एक कोटेशन बेस्ड की तरह ही है, पर ये ऑनलाइन है और हम जिनको चाहे उनको इनवाइट कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए सर, इसमें एक चीज क्लियर कर दीजिए। हाँ, जैसे पुश बटन में हमने तीन लोगों को सिलेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट भेज दी कि आप दोबारा कोट करो, बराबर, तो तीनों को ये प्राइस जो ऑलरेडी कोटेड है वो दिख रहा है वहां पे? हाँ दिखेगा, जो लोएस्ट है वो दिखेगा, 45,000 का है वो रेट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे ही कोट करना है, तो वो रेट तो सबको दिखेगा ही दिखेगा। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 डेज का, कितना टाइम मिलेगा, 3 डेज का, 3 दिन के अंदर आपको कोट करना है। ये है टू ई प्रोक्योरमेंट का कंडीशन। चलो अभी इसमें कुछ रूल्स और हैं कि हम हर एक प्रोडक्ट का पुश टू ई प्रोक्योरमेंट नहीं बना सकते, उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, वही लिस्ट का प्रोडक्ट को हम लोग बना सकते हैं। ये कैटेगरी उसमें इंक्लूड है, इतने सारे कैटेगरी, टोटल इसमें 50 कैटेगरी को लिया गया, ये 50 कैटेगरी का ही आप पुश टू ई प्रोक्योरमेंट बना सकते हो, कोई भी आइटम का, ये 50 आइटम का, हर एक कैटेगरी इसमें इंक्लूड नहीं किया है गया, तो आप जो भी इसमें कैटेगरी बोलेंगे कोई भी हम लोग ले सकते हैं ना। चलो वॉल क्लॉक ले लेते हैं, एक वॉल क्लॉक है हमें इसका बनाना है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं वॉल क्लॉक, आ गया कैटेगरी, ऑर्डर वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे बीड है, पीएससी है और पीबीबी है, तो हम लोग पुश टू ई प्रोक्योरमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके? यहाँ पे आ गया सिलेक्ट कंसाइनी,
कितना क्वांटिटी चाहिए मुझे, तो मुझे क्वांटिटी चाहिए मान लीजिए महाराष्ट्र के लिए 100 क्वांटिटी को, नहीं 100 ज्यादा हो जाएगा ना, 1,00,000 से ऑर्डर हो जाएगा 10 क्वांटिटी, और आप चूज कर सकते हो। अभी एक तो ये चूज जो एलुअन है उसको चूज तो करना ही पड़ेगा, और साथ में आप नीचे के किसी को भी चूज कर सकते हो। इसको निकालना है तो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने बोला था, आप L1 के तहत पहले चूज कर लो जिसको भी चाहिए, वो L1 जो होगा वो तो वो उसका तो उसको तो आ जाएगा ही जाएगा। हाँ मैं संजीव सर भेज दूंगा, ठीक है, ये 1800 है मान लो। तो इसको गया कंपेयर करता हूँ, अब इसका दो हाई रेट के साथ कंपेयर कर देता हूँ, किसी के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, सेम कंपेयर वाला सीट, पर ये डायरेक्ट ऑर्डर नहीं जाएगा। ये 99,000 वाला और एक 65,000 वाला, ये हम लोगों ने तीन के साथ कंपेयर कर लिया, स्टार्ट कंपैरिजन। अभी ये जो तीन लोग जो भी बेच रहे सबको नोटिफिकेशन जाएगा, और रेट पर 1800 से ऊपर नहीं डाल सकता, 1800 के अंदर देना है तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा। इसको कर दो ऐड टू कार्ट। अब ये डायरेक्ट ऑर्डर के लिए नहीं जा रहा है, क्रिएट पीबीपी नोटिस पे चला जा रहा है, इस पे क्रिएट कर दो। ओके, और आपको यहां पे सेव कर देना है। ओके, अभी गेट ओटीपी, सिर्फ ओटीपी से इसको वेरीफाई कर दो, सबको नोटिफिकेशन के तौर पे चला जाएगा। 3 डेज के लिए आपको सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, कितना दिन रहेगा, विद इन 3 डेज। अभी मान लो इसको आपने वेरीफाई नहीं किया अभी, तो बाद में ये कहां दिखेगा, तो बाद में आपको पुश टू ई प्रोक्योरमेंट बटन में ही दिखेगा। एक मिनट, ड्राफ्ट पीबीपी नोटिस यहाँ पे, यहाँ पे जब ये पब्लिश्ड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा। अब ये ड्राफ्ट में, इसलिए देखो ये वॉल क्लॉक का यहाँ पे दिखना चालू कर, आपको फिर से इसको डालना है तो ये नोटिस नंबर पे क्लिक कर दो, और फिर से ओटीपी कभी भी डालेंगे वेरीफाई करेंगे, ये आपका पुश ई प्रोक्योरमेंट बटन के तरह काम करना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ के थ्रू से टेंडर निकल जाएगा। ये डायरेक्ट परचेज का ही रूप है, पर लिमिटेड लोगों को, L1 के बाद ये आपका रेट, बायर को बेस्ट प्राइस चाहिए, L1 होने के बाद भी 1,00,000 के अंदर तो बायर इसके यूज कर सकता है, पर लिमिटेड कैटेगरी के ऊपर, हर एक कैटेगरी के ऊपर नहीं चलेगा। कैटेगरी का लिस्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और हमारे ऐप भगत टेक्नो पे भी आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा, वहां पर भी आपको PDF मिल जाएगा, और आप लोगों को भी मैं भेज देता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए सर, ये जो अभी आपने 1800 वाला सिलेक्ट किया है, हाँ बराबर बोलिए ना, हेलो, हाँ बोलिए सर। सर ये जो 1800 रुपए वाला वाल्कलो का आपने सेलेक्ट किया है, हाँ, ये जिस सेलर को भी आपने भेजा है उसका जरा डैशबोर्ड खोल के दिखाइए, वो कहाँ पे उसको अपीयर करेगा उसके। सर अभी ये तो फिर अपना पास पब्लिश करना पड़ेगा, और फिर इसको पब्लिश करेंगे तो दिखेगा वहां पर भी आपको। देखो अच्छा, आपके आईडी पे देखो एक पुश प्रोक्योरमेंट बटन बोल के एक अवेलेबल होगा, जी जी जी, वहां पे दिखता है। ओके, सेलर के पास, राइट। देखो मैंने डिटेल्स आप लोगों को चैट बॉक्स पे भेज दिया है,